नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में नाबालिग के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, घात लगाकर बैठा था दरिंदा, गंभीर हालत में HGMS में कराया गया भर्ती, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर घर से बाहर टॉयलेट जा रही नाबालिग किशोरी के साथ घात लगाकर बैठा युवक ने जबरन दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से डरी सहमी किशोरी ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर दरिंदा युवक की गिरफ्तारी कर पूछताछ में जुट गई है। वहीं इस दौरान किशोरी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तो परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि सिमरिया थाना में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने तत्परता के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। किशोरी का इलाज SGMH में जारी है, उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। एक बच्ची 16 वर्ष की अपने घर के पीछे खेतों में मैदान के लिए गई थी। उसी गांव का एक आरोपी ने मौके का फायदा उठा करके उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपने परिजन को बताया, परिजन ने जो है थाने में सूचना दी। तत्काल पुलिस ने उसके घर दबिश दी और दबिश दे करके उसको पकड़ लिया गया। पुलिस ने अभिरक्षा में उससे पूछताछ की गई है और बच्ची को सिमरिया थाना क्षेत्र की घटना थी। बच्ची को थाना प्रभारी ने वहाँ महिला डॉक्टर से उपचार के लिए और उसकी विधिवत जांच के लिए SGMS लाया गया। एहतियातन उसे जो है वहाँ भर्ती कराया गया है। आज जो विशेषज्ञ से जांच होने के बाद, गायनिक विशेषज्ञ को देखने के बाद उपचार के उपरांत उनको मुक्त किया जाएगा। इसमें आरोपी के विरुद्ध 376 भारतीय दंड विधान, एट्रोसिटी एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध का पंजीयन किया गया है, विवेचना की जा रही है और अपराधी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। उसकी विधिवत उससे जो है जो जब्तियाँ और विवेचना के दौरान जो कार्रवाई की जाती है वो जारी है। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, वो बालिक है कि नाबालिग? आरोपी बालिक है, बच्ची नाबालिग है। उसके संबंध में जो है जानकारी एकत्र की जा रही है। दोनों ही वर्ग जो है मजदूरी करते हैं। इस संबंध में उनकी प्रॉपर्टी और अन्य चीज़ों का जांच की जाएगी और उनके दस्तावेज संकलन किए जाएंगे, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची स्वस्थ है और अभी उसको जांच के बाद डॉक्टर ने मुक्त करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए कहा है।